एवरीवन बच्चे, कुछ आज हम लोग इसमें एनसीईआरटी के क्वेश्चन स्टेटमेंट बेस्ड डिस्कस करेंगे, जिससे आपको एक आइडिया हो जाएगा कि कौन सा सही स्टेटमेंट है और कौन सा गलत स्टेटमेंट है। एक्सप्लेन द लॉ ऑफ डोमिनेंस यूजिंग मोनो हाइब्रिड क्रॉस। ठीक है, मोनो हाइब्रिड क्रॉस हम बनाएंगे, उसमें हम लोग देखेंगे कि लॉ ऑफ डोमिनेंस कैसे अपने आप को एक्सप्रेस करता है। मेंडल लॉ ऑफ डोमिनेंस स्टेट दैट डोमिनेंट एलील एक्सप्रेस इटसेल्फ इन मोनो हाइब्रिड क्रॉस सप्रेस द एक्सप्रेशन ऑफ रिसेसिव एलील्स। ठीक है, लॉ ऑफ डोमिनेंस का मतलब ही होता है बच्चे, लॉ ऑफ डोमिनेंस हमेशा हीटरोजाइगस पे एप्लीकेबल होता है। अगर ये प्योर लाइन में कभी भी लॉ ऑफ डोमिनेंस एप्लीकेबल नहीं होता है बच्चे, पहली बात तो आपको ये याद रखनी है। लॉ ऑफ डोमिनेंस की इसके लिए प्रेजेंस के लिए आपको गैमेट जो है वो हीटरोजाइगस होना चाहिए। देखो, इसमें आपने देखना है दूसरी बात, हाउएवर दिस रिसेसिव एलील्स ऑफ द कैरेक्टर इज नॉट लॉस्ट एंड रिमेन हाइडन आर मास्क इन द प्रोजनी इफ एफ वन जनरेशन एंड रीपियर्स इन द नेक्स्ट जनरेशन। ठीक है, जो जीन होता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, जिसको लॉ ऑफ डोमिनेंस एक्सप्रेस नहीं करने देता, मतलब रिसेसिव जीन जो होती है वो लॉस्ट नहीं होती है, वो अपने प्रोजनी नेक्स्ट थर्ड जनरेशन में अपने आप को एक्सप्रेस कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, वेन पी प्लांट्स विद राउंड सीड आर क्रॉस्ड विद प्लांट कैपिटल आर स्मॉल आर, वेन दीज राउंड सीड्स आर सेल्फ फर्टिलाइज बोथ द राउंड एंड रिंकल सीड अपेयर्ड इन एफ टू जनरेशन 3:1। हेंस इन एफ वन जनरेशन द डोमिनेंट करेक्टर राउंड सीड अपेयर्ड एंड द रिसेसिव करेक्टर रिंकल सीड गॉट सप्रेस्ड विच रिप्रेस्ड इन द एफ टू जनरेशन। देखो, इसी बात को मैं आपको यहाँ पर समझूँगा। देखो बेटा, जैसे ये हमारे पास दो पेरेंट्स हैं, ये जो दो पेरेंट हैं, ठीक है, कैपिटल आर, ये मतलब राउंड सीड को रिंकल सीड से क्रॉस करवाया। इसकी जो एफ वन जनरेशन आएगी बच्चे, कैपिटल आर स्मॉल आर स्मॉल आर, इसने बोला था कि एफ वन में तो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करने देगा रिसेसिव को, बट रिसेसिव जो है वो एफ टू जनरेशन में प्रोजनी में अपने आप को एक्सप्रेस कर देता है। कैसे? क्योंकि एफ वन जनरेशन में लॉ ऑफ डोमिनेंस उसको अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करने देता, बट थर्ड जनरेशन में जाके कर लेता है एफ टू में। तो गैमेट बनाएंगे तो इसका आर बन जाएगा, इसका स्मॉल आर, क्रॉस करवाया कैपिटल आर स्मॉल आर, तो ये लॉ ऑफ डोमिनेंस यहाँ एप्लीकेबल होता है। जो प्लांट होगा वो कैसा होगा, राउंड होगा, ठीक है, राउंड होगा। ठीक है, अब देखो, अब इसकी हम लोग जब सेल्फिंग करवाएंगे, इसकी सेल्फिंग करवाएंगे तो हमारे पास गैमेट बन जाएगा कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल आर। ये तो लास्ट में इसने एफ वन में बताया। देखो, इसकी जब हम सेल्फिंग करवाते हैं तो ये हमारे पास कैसा बन जाता है, कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल आर स्मॉल आर स्मॉल आर कैपिटल आर स्मॉल आर स्मॉल आर। तो ये एफ टू जनरेशन आई जब हमने एफ वन जनरेशन की सेल्फिंग करवाई, तो एफ टू जनरेशन में इसने अपने आप को एक्सप्रेस कर दिया रिसेसिव पेरेंट में। अब देखो इन्होंने क्या किया, यहाँ पे देखो इन्होंने क्या किया बच्चे, जैसे हमारे देखो राउंड सीड रिंकल सीड दो। अब राउंड सीड जो है, देखो इधर ये राउंड सीड है, राउंड सीड राउंड सीड राउंड सीड, ये प्रोजनी एफ वन जनरेशन में आई है। ठीक, अब सेल्फिंग करवाई इसकी, राउंड सीड की हमने सेल्फिंग करवाई, तो हमारे पास एफ टू जनरेशन में एक आ गया राउंड सीड, ठीक है, दूसरा भी राउंड सीड क्योंकि इसके करेक्टर को एक्सप्रेस नहीं करने देगा लॉ ऑफ डोमिनेंस एप्लीकेबल, ये भी राउंड सीड, बट रिंकल सीड एक आ गया, जिससे हमें पता चल गया कि पहली जनरेशन में तो इसने अपने करेक्टर को हाइड कर दिया था, बट रिसेसिव पेरेंट सेकेंड जनरेशन में जाके अपने आप को एक्सप्रेस कर देता है। ठीक है बच्चे, तो ये आपका लॉ ऑफ डोमिनेंस है। तो दूसरा क्वेश्चन भी इसमें आप लोग कर सकते हैं, डिफाइन टेस्ट क्रॉस। तो टेस्ट क्रॉस का हमने लास्ट टाइम भी देखा था, ओनली एफ वन जनरेशन का रिसेसिव पेरेंट से क्रॉस करवाना, 1:1 आ जाएगा। ये हमारा पेरेंट है अननोन इंडिविजुअल्स कैपिटल आर, ये आ गया हमारा होमोजाइगस, इनका हमने जब गैमेट बनाया, ठीक है, ऐसे करके, तो हमारे पास एफ वन जनरेशन है, इतने गैमेट्स बन गए। ठीक है, ठीक है बच्चे। दूसरा देखो, क्रॉस बिटवीन होमोजाइगस अननोन इंडिविजुअल एंड होमोजाइगस रिसेसिव इंडिविजुअल। ठीक है, तो कल भी हम लोग क्वेश्चन कर रहे थे इसका, तो क्रॉस करवा देते हैं हम लोग इसका किसके साथ, मतलब इसका किसके साथ, रिसेसिव इंडिविजुअल के साथ स्मॉल आर के साथ, तो हमारे पास कैसा आएगा, कैपिटल आर स्मॉल आर स्मॉल आर स्मॉल आर, दो टाइप के गैमेट आएंगे, दो टाइप के गैमेट्स आएंगे बच्चे। ठीक है, और एफ वन जनरेशन की जो होगा 3:1, ऐसे एक टाइप के आए।
ठीक है, क्रॉस बिटवीन होमोजाइगस अननोन इंडिविजुअल्स एंड होमोजाइगस रिसेसिव इंडिविजुअल्स। क्वेश्चन नंबर 6 में हम लोगों ने देखना था बच्चे यूनिट स्केल क्या होता है, ये हम लोगों ने यहाँ पर सीखा है। देखो जैसे हम यहाँ पर होमोजाइगस मेल ले रहे थे, हिट्रोजाइगस मेल, ये होमोजाइगस फीमेल, ये हिट्रोजाइगस मेल, क्रॉस कर गैमेट बनाया हमने सबसे पहले, फिर उसके बाद हमने इनका पुनेट स्केयर में क्रॉस करके हमारे पास क्या रेशो आती है, मतलब ये देखो बी 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 बी, ठीक। तो F1 जनरेशन में ब्लैक कोड कितने हैं, 2, और वाइट कोड कितने, 2, ठीक है। सेवन्थ में देखेंगे बच्चे हम लोग टाल एंड ग्रीन एंड ड्वार्फ एंड ग्रीन, व्हेन अ क्रॉस मेड बिटवीन टाल प्लांट विद येलो सीड एंड टाल प्लांट विद ग्रीन सीड, व्हाट प्रोपोर्शनिटी फिनोटाइप इन द ऑफस्प्रिंग कुड बी एक्सपेक्टेड टू। तो आप क्या लिखेंगे, क्रॉस बिटवीन टाल प्लांट विद येलो सीड एंड टाल प्लांट विद ग्रीन सीड विल प्रोड्यूस 3 टाल एंड 3 ग्रीन, 1 ड्वार्फ एंड 1 3 ग्रीन। तो यहाँ पर आप इसको देख सकते हैं, इसको देख सकते हो बच्चे, हमने क्रॉस करवाया टाल येलो सीड प्लांट का टाल ग्रीन सीड प्लांट के साथ, ठीक है। ये गैमेट बनाए थे हमने, गैमेट बनाने तुम लोगों को आते ही हैं बच्चे, कैसे बनाते हैं गैमेट, कैसे बनाते हैं गैमेट बच्चे, ऐसे बनाते थे ना हम लोग, कैपिटल टी स्मॉल टी का, फिर आगे क्या लिखेंगे, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ठीक। फिर इसका क्या लिखेंगे बच्चे, कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल वाई स्मॉल वाई, फिर इसका क्या लिखेंगे हम लोग, इसका क्या लिखेंगे, फिर इसका लिखेंगे हम